हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ विशाल दी वाइब्रेंट विशाल और आप देख रहे हैं चैनल यार इन दी कार। दोस्तों आज मैं आ चुका हूँ टियागो ईवी चलाने के लिए और ये टियागो ईवी मेरे फ्रेंड ने ली है, शिव कुमार दीक्षित ने, मेरा बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड जिसको चड्डी बड्डी बोलते हैं, उसने ले ली है टाटा टियागो ईवी। तो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ और आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर करूँगा टियागो ईवी का। मोस्ट अफोर्डेबल ईवी इन दिस सेगमेंट है, मोस्ट अफोर्डेबल ईवी आज की डेट में टाटा टियागो ही है। लगभग 10 लाख के अंदर आपको मिल जाता है ये वाला मॉडल और आप देख सकते हैं गाड़ी का जो पूरा डैशबोर्ड है वो कितना प्यारा है। यहाँ पर ब्लू कलर के एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ये प्यारा सा चीज जो लगी हुई ये परफ्यूम है जो मुझे देखकर लगा कि यार ये पता क्या चीज है, शायद माइक है, बड़ी परफ्यूम है। हारमन कार्डन का आपको मिल जाता है म्यूजिक सिस्टम, यहाँ पर सारे बटन मिल जाते हैं, रीजनरेशन मोड मिल जाता है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको इसके अंदर मिलता है, ये एसी के फैन स्पीड आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये जॉग डायल मिलता है जो बेसिकली ड्राइव के लिए, ड्राइव मोड, न्यूट्रल, रिवर्स और स्पोर्ट्स मोड। और मैंने अभी इसको स्पोर्ट्स मोड पे चेक किया था, दोबारा दिखा दूंगा, आप चैनल पे देख सकते हैं। भाई साहब ये गाड़ी नहीं रॉकेट है, रॉकेट अगर स्पोर्ट्स मोड में डाल दिया जाए तो ये देखिए पूरा बहुत प्यारा सा डैशबोर्ड है, ब्लैक और ये आइस व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन के बीच में आता है। ये इसका प्यारा सा स्टीयरिंग व्हील जो कि यहाँ से फ्लैट बॉटम है और सेंटर में टाटा का लोगो। यहाँ पर सारे फीचर्स आपको म्यूजिक कंट्रोल के मिल जाते हैं, कॉल पिक करने का मिल जाता है, ये वाला आपको प्लेन मिलता है, यहाँ पे आप सिर्फ हॉर्न प्रेस कर सकते हैं, ये हॉर्न की आवाज सुन ली। अब चलाते हैं गाड़ी और चलते चलते बात करते हैं कि टियागो ईवी को चलाने का एक्सपीरियंस कैसा है। मैं इसको ड्राइव मोड पे डाल चुका हूँ और रेस से पैर हटाया और ये देखिए गाड़ी चलनी शुरू हो गई है। अब देंगे रेस और ये गाड़ी चल रही है, कोई साउंड नहीं है, कैबिन नॉइस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज इंजन ही नहीं है तो आवाज कहां से आएगी यार। सिर्फ टायरों की हल्की हल्की सी आवाज अगर बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तभी आपको सुनने को मिलेगी। इस समय मैं ये न्यू चंडीगढ़ की रोड पर हूँ, खुला रोड है, बढ़िया साफ सुथरा रोड है और टेस्ट हम कर रहे हैं टियागो ईवी। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो हमेशा मैंने पेट्रोल गाड़ी चलाई है पर पेट्रोल के कंपैरेटिवली इसको चलाने में बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बिकॉज स्मूथ ड्राइव है, बिल्कुल आपको बिल्कुल फील ही नहीं होता, एफर्टलेस ड्राइविंग आप इसे ही कहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि पर्यावरण की रक्षा भी हो रही है, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज ईवी है गाड़ी, है ना, और फुल चार्ज पे ये आपको अच्छा ड्राइविंग रेंज दे देती है। अभी हमारे यहाँ पे 201 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 91% बैटरी है, आप मीटर पे देख सकते हैं, काफी अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस है मेरा अभी तक का जो मैं इसको चला रहा हूँ। और हम इसको जरा यू टर्न मारते हैं, आपको इसी रोड पे दोबारा लेकर जाएंगे बिकॉज यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वहीं पे आपको सही से चला के दिखाते हैं। लीजिए इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी काफी अच्छा है और जैसे मैंने बताया कि हाँ गाड़ी एक बढ़िया सस्पेंशन काफी अच्छा है। टियागो की एक और अच्छी चीज है कि जो इसका सिटिंग पोस्चर है ना वो आपको एक कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला फील देता है, इसकी सीट जो है वो काफी हाइटेड रहती है, आपको रोड पर जो व्यू दिखता है वो काफी अच्छा दिखता है। चलिए अब इसको स्पोर्ट्स मोड में डालते हैं, स्पोर्ट्स मोड एक्टिवेट हो चुका है और अब मैं इसको रेस देकर चेक करूंगा कि एक क्या स्पीड में जाती है। वाओ अमेजिंग, 80 के बाद इसने बीप दे दिया कि आप ओवर स्पीड पर जा रहे हैं, बट इस रोड पर स्पीड लिमिट इतनी है तो मैं चला रहा हूं, अदरवाइज आपसे भी गुजारिश है कि हमेशा स्पीड लिमिट में रहकर ही गाड़ी चलाएं। अब देखिए 92 टच कर गया, 94, 95, 97, 98, 99, 100, कुछ ही सेकंड्स के अंदर गाड़ी 100 टच कर गई और विदाउट एनी साउंड, विदाउट एनी एफर्ट, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि आज की डेट पे अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं और अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं, अच्छी गाड़ी चाहते हैं जो सिटी में खास तौर पे आपको चांदी ही चांदी करवा देगी, वो है टाटा टियागो ईवी, पॉकेट फ्रेंडली और पॉकेट में रॉकेट, जो मैंने पहले भी कहा था। दोस्तों एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी अगर आप जैसे फुल चार्ज कर लेते हैं ना तो आपको लगभग 60 पैसा पर किलोमीटर पड़ती है, बिकॉज जो आपके यूनिट्स लगेंगे
उसके अनुसार आपको हार्डली 60 पैसे पर किलोमीटर में गाड़ी चलती है, और पेट्रोल का तो आप जानते ही हैं 100 रुपए प्रति लीटर हो चुका है, तो वो आपको लगभग 7 से 8 रुपए पड़ती है लगभग एक गाड़ी, क्योंकि आजकल की पेट्रोल गाड़ियों की माइलेज तो है नहीं। तो देखिए, ये फायदे का सौदा है, घाटे का तो बिल्कुल भी नहीं है। और जो लोग अभी भी इस भ्रम में हैं कि ईवी गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, उनको मैं अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप बेफिक्र होकर ईवी गाड़ी लीजिए। जो इसके ओनर हैं उनका भी यही कहना है कि मैंने जब से ये ईवी गाड़ी ली है, ये तो चलो कुछ ही समय हुआ, इससे पहले भी ये ईवी यूजर हैं, इनके पास जो टू व्हीलर है वो भी ईवी का है, इन्होंने घर पे सोलर पैनल लगा रखा है, और अभी ये बहुत जल्द एक ईवी का ही स्कूटर और प्लान कर रहे हैं, हम चैनल पे लेकर आएंगे उसको भी। तो देखिए, सोलर एनर्जी से आप गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं, व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं, वो भी आपकी बचत है। और इसके अलावा अगर सोलर पैनल नहीं भी है तब भी आप इसको जो फुल चार्ज करेंगे तो आपको हार्डली 60 पैसा पर किलोमीटर ये गाड़ी पड़ती है। अब इससे सस्ता क्या होगा जनाब, आप खुद ही सोचिए। सो ये था आज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस टाटा टियागो ईवी का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आप चैनल पर रहें, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी, और अभी मैं इसके बाद आपको एक बार वॉक अराउंड भी करके दिखा रहा हूं गाड़ी का बाहर से। तो ये है टाटा टियागो ईवी, जिसका अभी हमने आपके साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस शेयर किया। गाड़ी दिखने में बिल्कुल पेट्रोल वाली टियागो की तरह ही है, सिर्फ कलर इसका ये आप जो देख रहे हैं ये डिफरेंट सा है। ट्रॉपिकल मिस्ट है इस कलर का नाम जो कि टाटा वाले इसको देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में टियागो डॉट ईवी की बैजिंग हो रखी है, ऊपर आपको ये स्टॉप लैंप मिल जाता है, यहाँ पर ये स्पोर्टी स्पॉयलर की लुक दे रखी है। वोकल फॉर लोकल जो टाटा हमेशा कहती है, और मेरा भी मानना है कि हमें लोकल के लिए वोकल होना चाहिए। 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है गाड़ी, अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। टियागो ने ही एक नया ट्रेंड सेट किया है कि हैचबैक की भी ग्राउंड क्लियरेंस हो सकती है जनाब। यहाँ पर आपको ORVM पे टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ये ORVM आते हैं। टायर की बात करूँ तो 175R14 यानी कि 14 इंच के टायर हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आपको व्हील कैप्स मिलते हैं। यहाँ पर भी डॉट ईवी की बैजिंग है, यहाँ पर इसका ये हेडलैम्प जो कि शार्क फेस जैसा लगता है, यहाँ पर भी ब्लू आस्पेक्ट बिल्कुल जा रहे हैं आगे तक। यहाँ पर ट्राई एरो डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पर डॉट ईवी की बैजिंग हो रखी है, और फ्रंट में भी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही इसकी ग्रिल आती है जो कि बंद है, बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ी है, ज़रूरत ही नहीं है। तो बहुत ही बढ़िया टियागो ईवी का एक्सपीरियंस रहा मेरा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा आगे से आगे, ताकि सबको जानकारी मिल जाए कि भैया टाटा टियागो एक बहुत ज़बरदस्त सौदा है लेने के लिए, और जो आपके पैसे भी बचाएगी और पर्यावरण की को भी बचाएगी। देखते रहें चैनल यार इन दी कार, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, एंड ड्राइव सेफ।